दोस्तों जैसा कि आज हमारा 19 सितंबर को कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है, लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, ओके, ताकि दोस्तों आप बेहतरीन प्रदर्शन करें त्रैमासिक परीक्षा में। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको आपके पार्ट एक में मैंने आपको काव्यखंड गद्यखंड वितान व्यक्ति माध्यम पद्य साहित्य का इतिहास गद्य साहित्य का इतिहास कवि परिचय लेखक परिचय ओके महापुर पद्यांश गद्यांश की व्याख्या ये सब मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए पार्ट एक में। पार्ट दो वाली वीडियो में मैंने आपको आपके व्याकरण संबंधी भाषा बोध काव्य बोध पत्र लेखन और आपका निबंध लेखन ये टॉपिक कवर करा दिए हैं। अब केवल आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर वस्तुनिष्ठ की और प्रैक्टिस करा दीजिए, तो मैं आपको प्रत्येक टॉपिक से ओके काव्यखंड के गद्यखंड के वितान व्यक्ति माध्यम जितने भी आपके टॉपिक हैं ओके और आपके व्याकरण के सभी के मैं वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस इस वीडियो में करा दूंगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा ओके। और दोस्तों आपका एक पेपर हो चुका है यानी फिजिक्स का पेपर हो चुका है, आपने देखा होगा इंटरनेट में मतलब यूट्यूब पर बहुत सारे आपने पेपर तो देखे होंगे, ऐसा तो है नहीं है कि आपने देखे ना होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि सब जो होता है सब फेक रहता है ओके। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और मैं आपको बता चुका हूं, मैं अभी आपसे कह रहा हूं तो जिला हर जिले में अलग अलग पेपर आएंगे, जिला में नहीं एक जिले में दोस्तों हर ब्लॉक में अलग अलग पेपर आएंगे, एक जिले में कम से कम 7 से 8 ब्लॉक होते हैं ओके, तो हर जिले में 8-10 प्रकार के पेपर आए और इस प्रकार से कितने सारे 55 जिले हैं, हर जिले में 10-10 प्रकार के पेपर हैं, यानी मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कोई आपको दे ही नहीं सकता, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और वैसे भी दोस्तों आपका अच्छा 12वीं में है, त्रैमासिक परीक्षा आपके लिए इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपकी फिर कोई सहायता नहीं कर पाएगा, बोर्ड एग्जाम में फिर आपका रिजल्ट गिर जाएगा, लेकिन अगर आप अभी तैयारी नहीं करते हैं तो अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, प्रॉपर मैं बताते जा रहा हूँ, वीडियो को देखते जाइएगा, बिल्कुल आसान रहता है ओके, मेरे साथ तैयारी करते जाइए पढ़ते जाइएगा आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, पहले हम देख लेते हैं काव्यखंड ओके। तो काव्यखंड से हम स्टार्ट कर लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है ओके, दोस्तों बहुत कम समय है ओके, एक भी दिन का टाइम नहीं मिल रहा है, वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है ओके, और वैसे भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, तो देखते ही देखते याद कर दिए जाइए वीडियो को। कभी किसका भाल लिए फिरता है, तो हम जानते हैं कभी जग जीवन का भाल लिए फिरता है। नेक्स्ट है दिन कैसे ढलता है, तो दिन क्या है जल्दी जल्दी ढलता है, कविता फूलों के बहाने खिलना क्या जाने ओके, तो खिलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी चूड़ी मर गई, तो बात की चूड़ी मर गई, बहुत ही फास्ट बताऊंगा ध्यान से सुनते जाइएगा। रघुवीर सहायक की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस संग्रह से उद्घृत की गई है, तो उनके लोग भूल गए हैं इससे ली गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। कैमरे के सामने लाया जाता है, तो कैमरे के सामने अपाहिज को लाया जाता है। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं, कभी बच्चन डेड्रेस का जग का ध्यान नहीं करते हैं, मतलब ये तो आपको लिखी गया है, कभी किसका ध्यान नहीं करते हैं, तो जग का ध्यान नहीं करते हैं। कभी हरिवंश राय बच्चन उन्माद लिए फिरते हैं, तो यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं, यौवन यानी जवानी का ओके। नेक्स्ट है कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, तुमने डेडेडेस को सहूलियत नहीं सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो भाषा के ओके। आपको डेडेडेस होकर कैसे लगता है, तो आपको अपाहिज होकर कैसे लगता है। पर्दे पर डेडेडेस की कीमत है, पर्दे पर किसी कीमत है, वक्त की कीमत है। सत्ता सत्य देख लेते हैं, बच्चे प्रत्याशा सी नीड़ों से झांक रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। कभी बच्चन मंत्री का भेष लिए फिरते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा ओके, मंत्री का भेष नहीं है। नेक्स्ट है कविता एक खिल्ला है बच्चों के बहाने असत्य हो जाएगा, कविता एक खिल्ला है फूलों के बहाने, फूल इसका होना चाहिए, यहाँ बच्चे लिखा तो असत्य हो जाएगा। कभी ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, बिल्कुल सत्य है। एक कमरे में एक भिखारी को लाया जाता, असत्य हो जाता है, क्योंकि एक कमरे में किसको लाया जाता है, अपाहिज को लाया जाता है। कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश होती थी, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, उनको भी दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश की जाती थी ओके। सही जोड़ी मिलाइए आत्मपरिचय, तो आत्मपरिचय के हमारे हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके आपको कभी और लेखक जरूर तैयार कर लीजिएगा ओके, क्योंकि आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है, दिन का बंद क्या करता है जल्दी जल्दी चलता है, कविता के बहाने, तो कविता के बहाने हो जाएगा आपका कुंवर नारायण, कैमरे बंद अपाहिज हो जाएगा रघुवीर साहब, कैमरे के सामने किसे लाया जाता अपाहिज को लाया जाता, इस प्रकार से जोड़ी हो जाती है। अब देख ले एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे। एक गीत के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। कविता का खिलना कौन नहीं जानता, तो फूल नहीं जानता है। बात बाहर निकलने की वजह कैसी हो गई और अधिक पहच हो गई हो। नेक्स्ट है अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा, अपना दुख नहीं बता पाएगा। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार क्यों प्रश्न पूछते हैं, ताकि वह रो पड़े, उस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं ताकि वह रो पड़े उसके उनके और यह साथ ही दर्शकों को भी रोना आ जाए, इस प्रकार से। तो हमने इस प्रकार से देखे दोस्तों काव्यखंड के इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्ट ओके। अब दोस्तों हम देखेंगे पद्य साहित्य का इतिहास ओके, बहुत ही फास्ट ही अब मैं आपको बताते जाऊंगा ओके, सुनते बस जाइएगा तो आपको तैयार हो जाएगा। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, चार कालों में बांटा गया है। वीरगाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो, आदिकाल के कवि है जो चंद्रवरदाई है वो आपके आदिकाल के कवि हैं। भक्ति काल के जो लोकनायक कवि है वो कौन है, तुलसीदास जी हैं।
हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। पेपर में दोस्तों आपके दो नंबर क्वेश्चन आता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, तो मैं आपको बता चुका हूँ, तैयार कर लीजिएगा। विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना छायावाद में होती है। रीति के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? बिहारी सतसई हो जाती है आपकी रचना। फिर रीतिकालीन कवि है आपके भूषण है, वो रीतिकालीन कवि है। हिंदी कविता का जागरण काल किसे कहा जाता है? तो भारतीय युग को कहे जागरण काल कहा जाता है। महाप्राण के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दूसरा नाम क्या है? महाप्राण। ओके, कबीर का को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तो भाषा का डिटेक्टर कहा है। ओके, अब देख लेते रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। आदिकाल में प्रमुख रूप से क्या है? युद्धों का सजीव वर्णन होता था। भक्ति काल में प्रेम मार्गी काव्यधारा के कौन है? जायसी हैं। ओके, प्रेम मार्गी में के जायसी हैं, ज्ञान मार्गी के कबीर थे। ओके, भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। नटरस रीतिकाल में बीरस की कवि है, तो भूषण क्या है आपके? बीरस के कवि है। रीतिकाल में नागार्जुन कौन से कवि है? तो प्रकृतिवादी कवि है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है बिहारी। अगर दोस्तों मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर बताया था छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इनके प्रमुख कवि उनकी रचनाएं बताई थी, अगर वो याद है तो फिर आपसे वहाँ से भी आपके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ग्रंथ के में पारिवारिक मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण देखने को मिलता है, तो रामचरित मानस में। ओके, निगुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर का निराकार होता है। सत्य सत्य है, कबीर ने काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध किया है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जायसी ने ब्रजभाषा में काव्य की रचना की है, तो असत्य हो जाएगा, ब्रजभाषा में नहीं की गई। नेक्स्ट है तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, बिल्कुल सत्य है। रीतिकाल में मात्र रीतिबद्ध रचनाएं की गई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास की श्रेष्ठ रचना सुरसागर, बिल्कुल सत्य है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रतिवाद है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रयोगवादी कवियों के प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये आपका असत्य हो जाएगा। प्रकृति का मानवीकरण किसने किया है? छायावादी कवियों ने किया है। ओके, आगे नेक्स्ट है छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, लौकिक साहित्य आदिकाल का विशेष उपलब्धि है, सत्य है। भूषण रीतिकाल के भी है, ये भी सत्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा जाता है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, तो अब आपको स्वयं पढ़ लेना है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में दी हुई है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ओके, आंसर सही, तो ये आपकी पहले इनकी स्क्रीन शॉट लेके प्रैक्टिस कर लीजिए अभी, या वीडियो को पोस्ट कर लीजिए और फास्ट ये क्या है प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, इसके बाद आपकी ये दी हुई है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। जगनिक द्वारा रचित कृति क्या है? परमारासो। जगनिक ने परमारासो लिखी है। पद्मावत किसकी किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। रीतिकालीन कविता के भाव पक्ष प्रबल है कलापक्ष, तो रीतिकाल में कलापक्ष महत्वपूर्ण होता है। बिहारी सतसई किस काल के रचना है? तो रीतिकाल के। रीतिकाल को अन्य नाम से जाना जाता है श्रृंगार काल से। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो अवधि भाषा में की है। अब दोस्तों हम देखेंगे अपने गद्य खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। भक्तिन सेवक धर्म में किससे प्रतिस्पर्धा करने वाली थी? हनुमान से। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की रहने वाली थी। भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हो गया था? तो भक्तिन जब क्या है 36 वर्ष की थी तब उसके पति का देहांत हो गया। ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? मूक होता है। किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने में व्यस्त करती है? तो पैसों की जो गर्मी होती है वो बाजार में ज़्यादा सामान खरीदने के लिए व्यस्त करती है। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू चल पाता है? तो बाजार का जादू नहीं चलता है। भगत जी पर किसका जादू नहीं चलता? तो बाजार का जादू नहीं चलता है। श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? लुट्टन सिंह था, लुट्टन पहन वालों के। नैसे किसकी आवाज़ मृत गांव में सजीवनी शक्ति भरती रहती थी? तो पहलवान ढोलक की आवाज़। ओके, पहलवान की ढोलक की आवाज़ इस राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान की पूर्ति देख लेते हैं। दोस्तों देख रहे हैं जितने मैं कंटेंट बता रहा हूँ एकदम सेलेक्टेड आपको बता रहा हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पहले सेलेक्ट करना पड़ता है, टाइप करके आपको मैं बनाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है कि वास्तव में आपके सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे डेडरेस ना था, तो क्या हटी ना था। नेक्स्ट है तीतरवाज युवक कहता था वह डेडरेस पाकर भीतर गया, तो निमंत्रण पाकर भीतर गया। नेक्स्ट है भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे डेडरेस में इसे पूरी नहीं करना चाहती, तो खोकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाजार डेडरेस करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, मतलब आमंत्रित करता है, बाजार बुलाता है आओ मुझे लूटो, जबकि वो खुद लूटते अपन लूट उसे लूटने जाते हैं और खुद लूट के चले जाते हैं। ओके, बाजार की असली डेडरेस है आवश्यकता के समय काम आना, कृताग्रता। ओके, भगत जी बाकी चूरन डेडरेस को मुक्त बांट देते, बालकों को बांट देते थे, उनका फिक्स रहता कि भैया 6 आने कमाने हैं, उससे ज़्यादा फिर बचता था जो चूरन वो बालकों में बांट देते थे। लुट्टन के माता पिता उसे डेडरेस में अनाथ बनाकर चले आए थे 9 वर्ष की उम्र में। दंगल में उतरकर वह सबसे पहले डेडरेस को प्रणाम करता था, ढोलक को प्रणाम करता था।
नेक्स्ट है दंगल का स्थान, का स्थान रेस ने किया तो घोड़ों की रेस ने। ओके अब देख ले सत्ता सत्य पहला है मेरे भ्रमण की एकांग साथनी भक्ति नहीं रही तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रीवियस ईयर ने कई बार ये आया है सत्ता सत्य में, उसकी सब अतिशयोक्ति अमर बेल ही सूखने लगी असत्य हो जाएगा। भक्ति का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिहीन होना प्रमाण हो जाता है बिल्कुल सत्य है। भगत जिन का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था बिल्कुल सत्य हो जाता है। बाजार का जादू आँख की राह काम नहीं करता बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। ओके यहाँ आपका काम करता है। ओके नेक्स्ट है वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घर में बिगलता ही छोड़ देता था, ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाए। किसी बात की जा रही है, ये आपकी बात की जा रही है चूरन वाले बेचने वाले भगत जी की। ओके श्यामनगर के वृद्ध राजा दंगल और शिकार प्रिय थे तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजा राजकुमार ने कहा हो जी बुल बिल्कुल आपका ये असत्य हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह पहलवान था तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके चांद सिंह था। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई है। ओके पर्चिंग पावर का प्रयोग में आपका हो जाएगा पावर का रस। चुंबक का जादू हो जाएगा लोहे पर होता है चुंबक का जादू। बाजार जाओ तो आपका क्या है खाली मन ना हो। फिर है भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण, जो उन्हें चाहिए था वह था जीरा और नमक। ओके पहलवान की ढोलक की आवाज़ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सजीवनी शक्ति। फिर है चट्ट धात चट्ट तो ये हो जाएगा आपका आकर पटक दे। फिर नेक्स्ट है लुट्टन राजदरबार का था तो इसका राइट आंसर दर्शनी जीव। भक्तिन की सहज बुद्धि हो जाएगा दोस्तों आपका विस्मित करने वाली। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था चांद सिंह था। अब देख लेते हैं हम एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। पहला भक्तिन ने अपनी जेठानी के पुत्रों की तुलना किससे की है तो कांग भुसुंडी से की है। भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी फूल की थाली में। भक्तिन के ससुराल के नाम गांव का नाम क्या था तो हाड़िया था। ससुराल का नाम क्या था हाड़िया। नेक्स्ट है मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी बजाय होती है तो हो जाएगा जड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते तो भगत जी रहते थे जो चूरन बेचने का काम करते थे। पंचिंग पावर दिखाने वाले लोग क्या बढ़ाते हैं बाजार की बाजार रूपकता बढ़ाते हैं। लुट्टन पहलवान को पाल पोस कर बड़ा किसने किया था उसकी विधवा सास ने किया था। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था तो पहलवान बादल सिंह। बादल सिंह ने अपने शिष्य चांद सिंह को क्या कहकर उत्साहित कर दिया वहीं दफना दे बहादुर वहीं दफना दे बहादुर। ओके और उल्टा फिर कहा किसने लुट्टन पहलवान ने दफना दिया था। ओके गद्य साहित्य का इतिहास देख लेते इस वाले टॉपिक से अपने वस्तु ने प्रैक्टिस कर लेते हैं। भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले राजा लक्ष्मण सिंह थे। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है गोरा बादल की कथा। भारतेंदु युग की कला आपके कालावधि है 1850 ईस्वी से 1900। भारतेंदु युग के गद्यकार कौन है बाल भट्ट आपके हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति किसने लिखी है देवकी नंद खत्री ने लिखी है। उदय शंकर भट्ट प्रसिद्ध है नाटककार के रूप में। महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध है एक रेखाचित्रकार के रूप में। सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार है द्विवेदी युग की। ओके प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। प्रेमचंद की कहानियों का 8 खंडों में प्रकाश है तो मानसरोवर। ओके मानसरोवर है वो 8 खंडों में प्रकाशित हुए। नेक्स्ट है भारतेंदु काल के नाटककार कौन है तो शंभुनाथ सिंह आपका है। प्रसाद जी ने लगभग कहानियां लिखी हैं तो आपका हो जाएगा। ओके अब देख ले रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए उपन्यास क्या है श्रव्य काव्य। ओके नेक्स्ट है सचनंद हीरानंद वात्सल्य आपका क्या इनका उपनाम क्या है तो अज्ञे है। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघम सुप्रसिद्ध है आलोचक के रूप में। प्रेमचंद को उपाधि प्राप्त है तो उपन्यास सम्राट की। डेडरेस ने आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का आरंभ होता तो भारतेंदु युग से माना जाता है। डेडरेस ने लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो आत्मकथा में लेखक अपने बारे में स्वयं बताता है। आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन हुआ मतलब एक प्रसिद्ध आलोचक है कौन रामचंद्र शुक्ल। सत्ता सत्य इस बार से दिया हुआ है हमारा द्विवेदियों के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है सत्य है। चिंतामणि के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है असत्य हो जाएगा। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है बिल्कुल सत्य है। नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं असत्य है क्योंकि नाटक और एकांकी में अंतर होता है जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर में बताया था। किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी थी बिल्कुल सत्य है। एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है तो बिल्कुल है मतलब एकांकी में हम देखते हैं। ओके रानी केतकी की कहानी हिंदी की सर्वप्रथम लघु उपन्यास मानते तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित है बिल्कुल सत्य हो जाएगी। अगर पेपर में आता कि आत्मकथा सत्य घटनाओं पर आधारित होती तो फिर आपका सत्य होता है क्योंकि आत्मकथा क्या बनावटी भी हो सकती है लेकिन जीवन हमेशा जो जीवनी होती है वो हमेशा सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। इस पर सही जोड़ी दी है एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके ये आपके क्वेश्चन दिए सॉल्यूशन। ओके एक शब्द एक वाक्य में भी उत्तर दिया हुआ तो उनको भी थोड़ा आप सब पढ़ लीजिएगा। जैसे निबंध किसी कसौटी हुई है तो गद्य की कसौटी इंपॉर्टेंट है इसमें आपका। ओके फिर आपका चंद्रगुप्त की किसका नाटक रचना है तो जयशंकर प्रसाद का। इस प्रकार से आपका दिया है पढ़ लेना। अब दोस्तों हम देखेंगे बेतान के। ओके जो हमारी अलग से पुस्तक चलती है बेतान। ओके फिर इसके बाद हम अव्यक्ति माध्यम के भी देखेंगे तो पहले बेतान के देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ। ओके तो सिल्वर बेंडिंग कहानी के नायक कौन थे तो यशोधर बाबू थे। यशोधर बाबू के आदर्श थे कौन थे यशोधर बाबू के आदर्श किसंदा थे। यशोधर बाबू की कौन सी विवाह की वर्षगांठ थी तो 25वीं वर्षगांठ थी इसलिए सिल्वर बेंडिंग मनाई जा रही थी। ओके मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया केशव प्रथम बीन ने किया।
लेखक आनंद यादव अपनी माँ को लेकर गए, तो किसके पास ले गए थे, दच्चा जी राव के पास लेकर गए थे। ओके, आनंद ने मराठी अध्यापक का नाम क्या था, नाबाला सोलिगर का। ओके, अब किसान की पूर्ति की देख लेते हैं। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज डे जाने की रीति अपनाई बिरला मंदिर की, प्रीवियस पेपर में आ चुका है आपके रेगिस्तान में। यशोधरा बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप से लेकर कहाँ गया, तो अब अमेरिका चला गया था। चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्तेदार में यशोधर बाबू का डड्रेस लगता था, भांजा लगता था। लेखक आनंद राव की माँ धूप में डड्रेस थाप रही थी, कंडी थाप रही थी। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूर डड्रेस की झांकी है, तो संघर्ष की झांकी है। सत्तासत देख लेते हैं। यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी, तो आपका बिल्कुल आपका असत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यशोधर बाबू गोर मार्केट के सेक्रेटरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, तो आपका असत हो जाएगा। पत्नी बच्चों को यशोधर बाबू का रोज मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अच्छा लगता था, तो असत हो जाएगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। ओके, बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से मोटा ताजा किंतु बड़ा होशियार था, तो असत हो जाएगा कि जो बसंत नाम का पटेल नाम का लड़का था वो एकदम पतला था। ओके, नेक्स्ट है, यशोधर सोलिगर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, बिल्कुल सत्य है। कभी भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस वाला क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है, तो बिल्कुल सत्य होता है। ओके, अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियाँ इस प्रकार से दी हैं, जैसे मनोहर श्याम जोशी तो हो जाएगा आपका सिल्वर वेंडिंग, आपका आनंद राव तो आनंद आपका आनंद याद हो जाएगा जूझ, पांचवी में हो जाएगा पांचवी में बैठने लगा, बसंत पाटिल का है शरीर से दुबला पतला था, किसंदा क्या हो जाएगा, तो किसंदा का दोस्तों में आपका ये आपका यहाँ थोड़ी जोड़ी गलत हो सकती है, देख लीजिएगा। अब एक देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, किसंदा का वास्तविक नाम क्या था, किसंदानंद पांडे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत किसकी शरण में गए थे, तो किसंदा की शरण में गए थे। हर रविवार को किसंदा यशोधर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे, तो ठीक 4 बजे आया करते थे। आनंद यादव के मन में किस बात की तड़प थी, तो पाठशाला जाने की। लेखक आनंद यादव और उनकी माँ किसके पास गए, दत्ताजी राव सरकार के पास गए। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे, आनंदा कह के थे। ओके, कंप्लीट होता हो जाता है। अब देखेंगे हम दोस्तों अभिव्यक्ति और माध्यम के वस्तुनिष्ठ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12th की हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12th हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ओके, जिससे आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, सब व्याकरण वाला भी ये आपका और बुक वाला भी, जिससे आप क्या है प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। अब व्यक्ति और माध्यम के देख लेते हैं आपका वस्तुनिष्ठ। पहला है, भारत में पहला छापाखाना खुला तो गोवा में खुला था। ज्ञानेंद्रियों की संख्या में होती है तो 5 होती है। नाटक का शरीर कहा गया है, तो जो बातचीत शब्द होते हैं वो नाटक का शरीर है। कहानी का पहला तत्व कौन है, तो है कथानक होता है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तैयार रखिएगा। रेडियो नाटक में नहीं होता है, तो दृश्य नहीं होता, बाकी संवाद भी होता है, ध्वनि भी होती है, पात्र भी होते हैं, लेकिन रेडियो में हम क्या सुन सकते हैं ना कि देख सकते हैं। तो अप्रत्याशित विषयों के लेखन में शैली का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आत्मपरक शैली का प्रयोग किया जाता है। टीवी प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका उपयुक्त सभी, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम 2022 में आया था। ओके, तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप देख लेते हैं किसान की पूर्ति कीजिए। रेडियो को डेड्रेस से संचालित माध्यम माना जाता है श्रोताओं से। ओके, समाचार लेखन में डेड्रेस शैली अपनाया जाता है, उल्टा प्रामाणिक शैली अपनाई जाती है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण कौन था, शब्द था। नाटक के मंच निर्देशन हमेशा डेड्रेस में लिखे जाते हैं। वर्तमान काल में संवाद लिखते समय डेड्रेस गायब हो जाता, तो लेखक गायब हो जाता है। दृश्य का डेड्रेस से गहरा संबंध है, तो स्मृतियों से। नेक्स्ट है, रेडियो नाटक में डेड्रेस नहीं होते हैं तो दृश्य नहीं होते, क्योंकि हम रेडियो में क्या देख बस नहीं सकते हैं, बाकी तो सुन सकते हैं, मजा ले सकते हैं पूरा। लेख लिखने की कोई डेड्रेस आज दुनिया में नहीं है, तो कोई फार्मूला नहीं है। लेख में मैं शैली का प्रयोग होता है, क्योंकि लेख में लेखक के विचारों की आत्मनिष्ठा और अभिव्यक्ति की छाप होती है। सत्तासत देख लेते हैं, निरक्षों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी, तो असत हो जाएगा, क्योंकि जो भैया पढ़ ही नहीं सकता निरक्षण, यानी जो पढ़ ना सके वो अखबार के उसके लिए क्या महत्व, कोई अखबार मतलब नहीं है अखबार पढ़ने का उसके लिए, क्योंकि अखबार पढ़ ही नहीं सकता। ओके, जैसे पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया एक साहित्य, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है, बिल्कुल सत्य है। निराला की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना है, भी सत्य है। नाटक के मंच में निर्देशक सदैव भूतकाल भविष्यकाल में लिखे जाते हैं, असत्य हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय जो बिंदु तक कथानक होता है, सत्य हो जाएगा, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। रेडियो नाटक की प्रस्तुति में मंच सज्जा व वस्त्र सज्जा का बहुत महत्व हो जाता है, तो असत्य हो जाएगा आपके, क्योंकि कुछ मतलब नहीं है रेडियो में। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि हम रेडियो में हम क्या देख तो सकते नहीं है, चाहे जितना चाहे मंच से आए, जैसे चाहे कपड़े पहने जो, ओके, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। नाटक में ही सब होता है, ओके, जो हम देखने वाला नाटक होता है, लेकिन रेडियो में इसका कोई महत्व नहीं है। भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचारों करने का साधन भी है, तो सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से जोड़ी दी है, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ओके, ये आपका देख लेते हैं। अब देख ले एक शब्द एक वक्त में उत्तर,
घटनास्थल में किसी खबर के सीधे प्रसारण को हम क्या कहते हैं, लाइव कहते हैं। जब डायरेक्ट जो घटना दिखाई जाती है लाइव कहलाती है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को हम क्या कहते हैं, तो अखबार की आवाज़ कहते हैं। फीचर लेखन की शैली कौन सी है, तो आपकी कथात्मक शैली है। साहित्य में कौन सी विधा नाटक से अधिक निकट होती है, तो कविता। दृश्य का क्रमित विकास किसी सहायता से होता है, संवादों की सहायता से। रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है, तो ध्वनि और संवादों के माध्यम से होती है। लेख की शुरुआत कैसे होती है, तो आकर्षक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना और उसके बाद घटने हुए महत्वक्रम में सूचनाओं को देना क्या कहलाता है, उल्टा पिरामिड आपका कहलाता है। ओके, किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना क्या कहलाता है, तो इसके क्या है, तो ये आपके 6 कारक है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट, ऐसा सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, क्या कहलाता है, वो हमारा फीचर कहलाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है, संपादकीय कहलाता है। किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण क्या कहलाता है, विशेष रिपोर्ट कहलाता है। अब दोस्तों हमारे काव्यबोध और भाषाबोध की ओर रह जाते हैं व्याकरण वाले, उसको भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप इंटरेस्टेड होंगे और आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप क्या जरूर देखेंगे। ओके, क्योंकि अगर आप वही फेक पेपर के चक्कर में रहना है तो आप वीडियो को शुरू ही छोड़ दिए होंगे, लेकिन आप यहां तक अगर आ गए हैं, ओके, इस सेक्शन तक पहुंच गए हैं मेरे साथ, तो फिर आप क्या है, गारंटी के साथ दोस्तों आप त्रैमासिक में नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी टॉपर बनेंगे, क्योंकि आपका अगर धैर्य है और पढ़ना चाहते हैं तो बस इतना ही चाहिए पढ़ने के लिए। ओके, बाकी अगर आप बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने आप याद चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो काव्यबोध देख लेते हैं, काव्यबोध में हमारे कौन कौन से हैं। बाकी मैंने आपको टॉपिक बता दिया क्या क्या पढ़ना है आपका, वो आपने का सब तैयार कर लिया होगा, तो फिर तो ये आराम से आपसे बन जाएंगे। ओके, तो उत्तेजना का मूल कारण क्या होता है, विवाह होता है। कौन रस का स्थायी भाव, शोक होता है। दसवां रस कौन सा है, तो वत्स रस को दसवां रस माना गया है। काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है, तो अलंकार बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जहाँ शब्द में काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। आदर्श से शोभा बढ़े तो अर्थ अलंकार, शब्द से शोभा बढ़े तो शब्द अलंकार। कवित्त के प्रत्येक छंद में कितने, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो 31 वर्ण होते हैं। दुर्मिल है, दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। शब्द शक्ति के भेद माने गए 3, तो शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है और शब्द गुण भी 3 प्रकार के होते हैं। सूर्योदय हो गया है, शब्द शक्ति है, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति। ओके, क्योंकि व्यंजना शब्द शक्ति क्यों है, सूर्योदय हो गया है, तो इसके कई प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं। ओके, मान लीजिए मैं क्या है 10 बजे उठता हूँ, तो मेरी माता जी कहती हैं कि लो सूर्योदय हो गया है, तो ये मेरे लिए एक व्यंग किया जा सकता है, कोई रियलिटी में सूर्योदय की बात हो रही होगी। और कोई कुछ मुझे महापुरुष के दर्शन मिलते हैं तो मैं कहता हूँ सूर्योदय हो गया, तो अलग अलग एक सेंटेंस से कई अर्थ निकलते हैं, तो आपका व्यंजना होता है। श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप में पाया जाता है, तो माधुर गुण पाया जाता है। वीर भयानक रौद्र रसों में प्रधानता होती है, तो ओज गुणों की प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें क्या है जोश वाले हैं। ओके, वीर में भी, भयानक में, थोड़ा रौद्र में भी, रौद्र वीर में क्या है जोश चाहिए। ओके, इसलिए ओज गुण हो जाता है। नेक्स्ट, जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से हृदय पर छा जाए उसमें कौन सा होता है, उसमें प्रसाद गुण होता है। ओके, चित्त की उत्तेजना वृत्ति में संबंध होता है, ओज गुण। ओके, चित्त की उत्तेजना यानी हमारे अंदर क्या है जोश आ जाए, वो किसमें होता है, ओज गुण में होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साहित्य के क्षेत्र में काव्य के आस्वाद से प्राप्त अनुभूति को हम क्या है रस की संज्ञा देते हैं। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थितिवश अनेक भाव का संचार होता है, जिन्हें हम क्या है संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 233 होती है। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को हम क्या है संचारी भाव कहते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएँ अनुभव कहलाती हैं। काव्य शोभा, आपका काव्य शोभाकंत धर्मांत अलंकार प्रशिष्ट में, ये परिभाषा किसने दी है, आचार्य डंडी ने दी है ये परिभाषा। काव्य की सौंदर्य बनाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, जो संध्या अलंकार होता है उसमें क्या है अंत तक संशय बना रहता है। जब मैंने अलंकार वाला अलग से समझाए हैं, छंद अलग से समझा दिया, रस अलग से समझा दिया, अगर वीडियो सब देखी हुई तो आपसे आसानी से बन जाएगा। विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो, वहाँ आपका विरोधाभास अलंकार होता है। मादक और वर्णित भेदों के आधार पर ध्वनि के क्रम से गति और यति नियमों से बांधा क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, जिन छंदों में मात्राओं की गणना होती है वो मात्रिक छंद, जिन छंदों में क्या है वर्ण की गणना होती है, गण की गणना होती है, वो वर्णिक छंद होता है। भूरा तो उल्लू है, शब्द शक्ति है तो लक्षणा शब्द शक्ति है। भूरा को क्या है उल्लू बताया गया, यानी मूर्ख बताया जा रहा है, तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। राजा सूरजमल शेर थे, यहाँ भी आपका लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। ओके, मादर गुण में क्या होती है वर्णों की प्रधानता होती है, तो कोमल वर्णों की प्रधानता होती है। मानवोचित गुणों के अनुकूल ही आपके क्या होते हैं शब्द गुण भी होते हैं। ओके, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, में कौन सा प्रसाद गुण है। सत्य इस प्रकार से दिए हुए, स्थायी भाव, संचारी भाव, विवाह अनुभाव को रस के 4 अंग बिल्कुल सत्य है। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं, सत्य है। विवस रस का 10वां रस माना गया है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि बासल रस को आपका क्या है 10वां रस माना गया है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, बिल्कुल सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य, तो असत्य हो जाएगा, रति होता है। कविता का आभूषण आपका अलंकार, तो ये आपका बिल्कुल ये क्या है सत्य हो जाएगा। रस्सी नहीं साफ है, भ्रांतिमाला अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या हो जा रहा है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि भ्रम हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है, जहाँ लोग सीमा से परे हों
यहाँ दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, संदेह अलंकार भी हो सकता है, रस्सी नहीं सांप है। हाँ, इसमें आपका रस्सी नहीं सांप है, इसे फिक्स हो गया है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। लेकिन अगर पेपर में आ जाए रस्सी है या सांप, अगर बीच में या लग जाए, रस्सी है या सांप, तो वहाँ पर आपका संदेह अलंकार लिखना पड़ेगा। रस्सी नहीं सांप है तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। ओके, जहाँ लोक सीमा से परे बड़ा चढ़ा का वर्णन किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जहाँ बड़ा चढ़ा का वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यहाँ विरोधाभास बताया जा रहा तो असत्य हो जाएगा। वर्ण मात्र यति चरणत्व का गण के छंद के अंग होते हैं, बिल्कुल सत्य है। कवित एक वर्णित छंद है, बिल्कुल सत्य है। 22 से लेकर 26 तक के वर्णों को सवैया कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है, बिल्कुल सत्य है। दोहा मात्रिक छंद है, सत्य हो जाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति के दो प्रकार, शाब्दिक व्यंजना और आर्थिक व्यंजना है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, शब्द शक्ति पांच प्रकार की, असत्य हो जाएगा, तीन प्रकार की होती है। ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है, तो बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। ओज गुण में तो क्या चाहिए, हमें वीर चाहिए, जो चाहिए यानी वीर रस चाहिए, रौद्र रस चाहिए। ओके, माधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, चित्त की उत्तेजना वृत्ति इसमें होती है, ओज गुण में होती है। माधुर में तो क्या होता है, मन आपका और जो चेतना होती है वो शांत होती है। ओके, इस प्रकार से आपकी दी है सही जोड़ी, अपने से पढ़ लीजिएगा। इस साइड आपके लिखे हुए हैं स्थाई भाव, साइड आपके रस के नाम दिए हुए। ओके, फिर ये आपका दिया हुए, पढ़ते ही आपसे बन जाएगा, सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मैं पूरा आपको मटेरियल परफेक्ट तैयार करके देता हूँ। अगर आपको वास्तव में लगता है कि सर मेरे मेहनत कर रहे हैं प्रॉपर, मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से लाइक जरूर करिएगा और अपनी तरफ से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा। बाकी कोई डाउट आता, कोई दिक्कत आती है तो जरूर बताइएगा। ओके, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देते हैं। बसमा रस किसे माना गया, तो बासा रस को माना गया। बासा रस के दसवें रस के रूप में स्थापित किसने कवि ने किया, तो सूरदास ने। ओके, सूरदास के कारण ही बासा रस को क्या है, पॉपुलर हो पाया। ओके, शांत रस का स्थाई भाव क्या है, निर्वेद है। काव्य की शोभा बढ़ाने तत्व को अलंकार कहते हैं। जहाँ शब्द में काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, शब्द अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द की शास्त्र अर्थ आवृत्ति होती है वह कौन सा अलंकार होता है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द दो बार आए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छंद के अंग आपको बताने, तो ये छंद के अंग होते हैं। छंद कितने प्रकार के, दो प्रकार के, मात्रे को वर्णित है। छोटा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस प्रकार का छंद का उल्टा है, तो छोटा जो छंद होता है वो दोहा छंद का उल्टा होता है। व्यंगार्थ का व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। शब्द शक्ति कितने प्रकार, तीन प्रकार के। सरल शब्दार्थ का प्रयोग किस गुण में होता है, प्रसाद गुण में। शब्द गुण के प्रकार लिखिए, तो माधुर उज प्रसाद है। भोज ने कितने शब्द गुण बताए हैं, तो भोज के अनुसार क्या है, 24 शब्द गुण होते हैं, जबकि तीन होते हैं लेकिन भोज ने क्या है, 24 बताए हैं। काव्य गुण की ओर क्या कहा जाता है, काव्य गुण को क्या है, शब्द गुण को काव्य गुण भी कहा जाता है, कंप्लीट होता है। अब लास्ट हमारा टॉपिक रह जाता है भाषा बोध, तो जैसे भाषा बोध में देख लेते हैं। टेढ़ी खीर मुहावरा होता है आपका, कठिन कार, नाको चने चमा चना दुखी करना। झोला एक हमारा क्या है, क्षेत्रीय शब्द है, लोटा लुटिया झोला, ओके थैला, ये सब हमारे क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। ओके, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, तो जो हमारा नाभिक है, नाभिक क्या है, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम नाभिक परमाणु ये सब। ओके, तो ये हमारा क्या है, किसी सब्जेक्ट संबंधित है, इसलिए ये तकनीकी शब्द हो जाएगा। मोहन नहीं आने वाला है, तो इसमें निपात शब्द बताना, तो नहीं, ओके नहीं हो जाएगा। भी नहीं मत, ये सब आपके निपात शब्द होते हैं। ओके, अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक आठ प्रकार से होते हैं। आ से अर्थ, ऐसे याद रखिएगा, आ से अर्थ, आठ से अर्थ, अर्थ से आठ, इस प्रकार से। ओके, रचना के आधार पर तीन। गाय दूध देता है, तो आपका इसका शुद्ध बताना है, तो गाय दूध देती है। ओके, मैंने अनेकों स्थान देखे, तो मैंने अनेक स्थान देखे, ये शुद्ध बन जाएगा। भाव पल्लवन का और किस नाम से जाना जाता है, तो भाव विस्तार के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। संक्षेपण का गुण नहीं है, तो विस्तार करना संक्षेपण गुण नहीं है। ओके, बाकी स्पष्टता शुद्धता और आपका क्या हो जाएगा, संक्षिप्तता, ये आपका संक्षेपण के गुण होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति की जी, इसमें आपका है लोक प्रसिद्ध उक्ति को कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है। ओके, ये आपका रिक्त स्थान नहीं, अब चाहे एक शब्द आप रिक्त स्थान समझ लें या एक शब्द एक वाक्य में समझ लें। ओके, ऐसे लघु वाक्यांश जिनके प्रयोग में भाषा में सौंदर्य और प्रभाव आपका चमत्कार हो जाता है, वो क्या है, मुहावरा कहलाता है। पहुँच हमारा का एक क्षेत्रीय शब्द है, गुत्वाकर से एक तकनीकी शब्द है। तुम काम नहीं करोगे, निपात शब्द क्या है, नहीं। ओके, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के वाक्य होते हैं। वाक्य परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वाक्य रूपांतर कहते हैं। रवि पूर्व से निकलता है, शुद्ध रूप आपको लिखना है, रवि पूर्व से निकलता है, ये आपका हो जाएगा। ओके, देख आगे है, इसका मतलब यहाँ शुद्ध करना, ये गलत लिखी हुई। ओके, सरकारी कामकाज की भाषा क्या होती है, राजभाषा होती है। सत असत है, काला अक्षर भैंस बराबर एक मुहावरा, तो असत्य हो जाए, क्योंकि ये क्या है, लोकोक्ति है। लोक प्रसिद्ध उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। सत्य है, सांकर एक क्षेत्रीय शब्द है, बिल्कुल सत्य। अभिकर्ता एक तकनीकी शब्द है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप कुछ सोच रहे हैं जी, इसमें निपात शब्द है, तो सोच रहे हैं जी में निपात शब्द कुछ नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, जैसे जिस वाक्य में एक संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है साधारण वर्ग, बिल्कुल सत्य है। क्या मधु आती है, आज्ञावाचक, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। तुम कल जाओगे, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या तुम कल जाओगे, सत्य, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मेरे को आपकी परीक्षा करना है, तो ऐसा शुद्ध वाक्य आप है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्य है।
भापलन को सार संक्षेपण कहते हैं, असत्व दोनों अलग चीज है। समानता संक्षेपण मूलतः एक चौथाई होता है, असत्व हो जाएगा क्योंकि एक तिहाई होता है। ओके, राष्ट्रभाषा के संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग होता है तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जोड़ी इस प्रकार से दी है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, ये आपकी पूरी दी है जोड़ी, सभी आपको प्रैक्टिस कर लेना, उत्तर सहित आपको दिया हुआ है। एक शब्द एक वाक्य उत्तर लिखना है। अपनी करनी पारोतानना लोकोक्ति का मतलब है, स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा सौंदर्य उत्पन्न होता है मुहावरा कहलाता है। कोई दोस्त आपको क्षेत्रीय शब्द तो हमने लिख दिया, लोटा लुटिया थैला ओके टंगरी, ये सब आपके दिए हुए क्षेत्रीय शब्द। किसी भी विषय से संबंधित ऐसे शब्द जिनका प्रयोग उस विषय के लिए होता है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। भौतिक विज्ञान संबंधी आपको दो तकनीकी शब्द, तो वेग त्वरण गुरुत्वाकर्षण आप लिख सकते हैं। वे अवयव जो किसी शब्द में पद में बाद में लगकर अर्थ में विशेष बल देते हैं, विशेष बल या शब्द में प्रेशर देने के लिए निपात शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, मनुष्य के विचार को व्यक्त करने वाला शब्द आप समूह कहलाता है आपका वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य आपकी 8 प्रकार के होते हैं। सूत्र रूप में कही गई बात विस्तार लिखना समझना क्या कहलाता है, भावपल्लवन। समानता संक्षेपण मूल कथन का कितना होता है, एक तिहाई होता है। ओके, भारत की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संभाषण का कहलाता संवाद कहलाता है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके सभी टॉपिक के, आपके चाहे आपका काव्यखंड गद्यखंड वितान व्यक्ति माध्यम काव्यबोध भाषाबोध पद्य साहित्य इतिहास गद्य साहित्य सभी के हमने वस्तुनिष्ठ देखे हैं। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है और आपने तैयार कर लिए हैं तो फिर आपका कोई भी किसी प्रकार का आए आपसे जरूर बन जाएगा वस्तुनिष्ठ वाले सेक्शन। ओके, तो वीडियो पसंद वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दिया। कोई डाउट आता है कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।